कराची पुलिस की कारकर्दगी पर एक और सवालिया निशान। एम ए जिना रोड पर मुबैजना पुलिस मुकाबले में फायरिंग से जख्मी नौजवान और दोस्तों ने पुलिस के झूठे मुकाबले का पोल खोल दिया। भाई का कहना है कि शराफत मोटरसाइकिल पर सामान लेने निकला था, पुलिस की गोली से जख्मी हुआ। एहलकार ने अपनी गलती तस्लीम भी कर ली। उधर जाए वकुआ पर मौजूद एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। मामले की तहकीकात जारी है। रावलपिंडी में बैंक रोड पर पुलिस मुकाबला, दो अहलकार शहीद, एक डॉल्फिन अहलकार जख्मी। फायरिंग के तबादले में एक मुबैना डाकू भी हलाक। आरपीओ सुहेल ताजिक का कहना है पुलिस की जवाबी फायरिंग से हलाक मुलजिम इंतहाई तरबियत याफ्ता लगता है। ख्याल है कि वो मेट्रो स्टेशन को निशाना बनाना चाहता था, उसके साथ मजीद लोग भी हो सकते हैं। लाहौर के इलाके सांदा में मोटरसाइकिल के केस अदा न करने पर नौजवान का कत्ल। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिम काफी देर तक गली में खड़े होकर इंतजार करते रहे, मोटरसाइकिल करीब आते ही गोलियां चला दी। उधर मकतूल तैयब के भाई की मदईयत में वाकये का मुकदमा दर्ज। कोयटा में मेकानगी रोड पर धमाका, दो अफराद शहीद, दो एफसी एहलकारों समेत 14 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने मैतों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस समेत सिक्योरिटी एहलकारों ने जाए वकुआ को घेरे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक धमाका एक अस्पताल के करीब हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी को निशाना बनाया गया, करीबी इमारतें भी मुतासर हुई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2 बाबू साबू से शेखपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 रिजाना से फैजपुर इंटरचेंज, M4 फैसलाबाद से साहियावाला तक भी बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध का राज। चूनिया, पतोकी, रिनाला खुर्द, उकाड़ा, साहिवाल, चीचा वतनी में भी धुंध में रास्ते गुम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शमाली इलाका जात में बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन के बाइस हादसात में इजाफा। मालम जब्बा में मदद के लिए आने वाली रेस्क्यू क्रेन खुद हादसे का शिकार। जीप को निकालते हुए क्रेन भी खाई में जा गिरी, ड्राइवर जख्मी। सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स आज सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। ऐवान बाला की कायमा कमेटी बराए दिफा ने तीनों बिल्स के इत्तेफाक राय से मंजूरी दी। इससे पहले कौमी असम्बली ने आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के एक्ट में तरमीम के बिल कसरत राय से मंजूर किए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत, जमात इस्लामी, JUI, नेशनल पार्टी और PKMAP की मुखालफत। सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स की हिमायत पर नून लीग में शदीद इख्तलाफ। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी इजलास में 25 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा ना लेने का इंदिया दिया था। नाराज अरकान को भी शहबाज शरीफ की हिदायत पर असेंबली में आना पड़ा। शाहिद खाकान फिर भी ना आए। एहसन इकबाल फिजियोथेरेपी के बाइस शरीक ना हुए। पार्टी इजलास में राना तनवीर, जावेद लतीफ और निसार चीमा की क्यादत के फैसलों पर तनकीद। MQM समेत इतिहादियों के तहफ्फुज़ात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मामलात के हल के लिए आला सतह की सियासी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर दिफा परवेज खटक कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी मुज़ाकरात के बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। उम्रा ज़ायरीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी करार। 190 रियाल फीस मुकर्रर। इंश्योरेंस के 190 रियाल वीज़ा फीस के अलावा जमा कराने होंगे। इससे पहले वीज़ा फीस और दीगर मामलात की मद में 490 रियाल वसूल किए जा रहे थे। मशरिक़े वस्ता में अमरीका ईरान कशीदगी का मामला। पाकिस्तान के इलाकई अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का कतरी हमनसब मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान से टेलीफोनिक रबता। खत्ते में अमन सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खत्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाक कतर मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। मोदी की पॉलिसी आलमी अमन और मईशत के लिए पाँचवा बड़ा खतरा।
आलमी आमन और मईशत का सर्वे करने वाले बड़े ग्रुप यूरेशिया की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पूरा भारत मोदीइज्म का शिकार हो गया। मोदीइज्म 2020 में आलमी खतरा बन चुका। भारतीय वजीर आजम की मुतनाजा पॉलिसी से पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है। मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे से भारत का सेकुलर चेहरा स्याह हो गया।